हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, एसएससी जेईई 2024 की क्वेश्चन सीरीज में मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिक्स तो करवा ही चुका हूँ, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में भी मैंने आपको तीनों की तीनों मशीन करवा दी है। आज हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन्स का आखिरी टाइम है, आखिरी लेक्चर है। इंडक्शन मशीन्स आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, एक चीज आप ध्यान रखिए कि इन क्वेश्चंस को पहले आप खुद भी प्रैक्टिस करिए। वो कैसे करेंगे सर? वो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उस पर मैंने सारे के सारे पीडीएफ्स को अपलोड कर दिया है। तो जो भी क्लासेस होती है उनके क्वेश्चंस की पीडीएफ अपलोड कर देता हूं, उन क्वेश्चंस को पहले आप अटेंड करिए। और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है वो क्वेश्चंस को आके आप इस वीडियो के थ्रू देख लीजिए। मैं तो सभी क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करवा ही रहा हूँ, इससे आपका भी इवेल्युएशन हो जाएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और कितने क्वेश्चन नहीं बन रहे, ठीक है। ये सारे बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट हम इस सॉल्यूशन में डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि आप इस सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करके भी जाइएगा, इसके नोट्स भी बना लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, क्योंकि ये सीरीज आपको पेपर में बहुत काम आने वाली है। आज इंडक्शन मशीन से तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है दोस्तों ऋषभ अग्रवाल। आई एम वर्किंग इन एमईएस एज अ जेई। आई हैव आल्सो बीन सिलेक्टेड इन ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स विद ऑल इंडिया रैंक 6 इन केंद्रीय विद्यालय। आई हैव क्वालिफाइड गेट एंड ऑल्सो आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 7 ईयर्स। अगर आप लोग मुझसे अपने पर्सनल डाउट्स पूछना चाहते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, तो ऋषभ अग्रवाल ऑफिशियल टेलीग्राम पर सर्च करिएगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और जो पीडीएफ है जिनकी मैं बात कर रहा था वो इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ऋषभ अग्रवाल डब्ली, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। ओके तो देखिए, ये है पहला क्वेश्चन। बोल रहा है द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ। तो इंडक्शन मोटर जो होती है हमारी वो किसके जैसी होती है भाई? तो देखिए, सिंक्रोनस मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन मोटर, या ट्रांसफार्मर विद ए शॉर्टेड सेकेंडरी। तो ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी। जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें जो रोटर होता है वो हमेशा शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये एक शॉर्टेड सेकेंडरी के ट्रांसफार्मर के जैसी होती है, ठीक है। अगर हम ट्रांसफार्मर में भी सेकेंडरी साइड को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, कोई भी लोड नहीं लगाएंगे इलेक्ट्रिकल लोड, वो और इंडक्शन मोटर का सेम प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है। क्या है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन? ऑब्वियसली बात है, फैराडेज लॉ, ठीक है। आ जाइए अब ये वाले क्वेश्चन पे। देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक में से है, ठीक है। ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड काफी सारे न्यूमेरिकल्स आज की क्लास में हम लोग करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। देखो, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है, स्लिप एस पे चल रही है, रनिंग एट स्लिप एस, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ एयर गैप पावर, ठीक है। तो देखो, मैं आपको पावर फ्लो डायग्राम बताता हूं। देखो भाई, इंडक्शन मशीन में, इंडक्शन मोटर है, मोटर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे। तो देखिए, हमने ये इलेक्ट्रिकल इनपुट स्टेटर को दे दिया, इलेक्ट्रिकल इनपुट टू स्टेटर। जब स्टेटर में करंट फ्लो होगी तो स्टेटर में लॉस होंगे, ठीक है। चूंकि एसी सप्लाई दे रहे हैं तो कॉपर लॉस एंड कोर लॉस दोनों होगा, कोर लॉस भी होगा स्टेटर में और स्टेटर में कॉपर लॉस भी होगा, ठीक है। ये लॉसेस के होने के बाद क्या होगा, करंट फ्लो होने की वजह से फ्लक्स डेवलप होगा, तो पावर ट्रांसफर हो जाएगी स्टेटर से रोटर में, तो रोटर को इनपुट मिलेगा जिसको हम बोलेंगे एयर गैप पावर, ठीक है। फिर रोटर में लॉस होंगे। अब रोटर में चूंकि फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, इसकी वजह से कॉपर लॉस, कोर लॉस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ रोटर के कॉपर लॉस को लेके चलते हैं हम लोग। क्या बोला मैंने, रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 हर्ट्ज या 3 हर्ट्ज होती है, तो कोर लॉस जो है वो नेग्लिजिबल माने जाते हैं, तो कॉपर लॉस बच गए रोटर में। फिर कहां पे पावर पहुंचेगी, शाफ्ट में, आउटपुट पावर मिल जाएगी, शाफ्ट के पास पहुंच जाएगी। लेकिन उससे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैकेनिकल कुछ पावर बनेगी, फिर आपके मोटर घूमेगा भी, तो मैकेनिकल लॉसेस आएंगे घूमने वाले, फ्रिक्शन एडवांटेज लॉस, और फिर इसके बाद शाफ्ट पे पावर मिल जाएगी PSH, ठीक है। ये चीज क्लियर है। इनपुट दिया, स्टेटर में लॉस हुए, रोटर पे इनपुट गया, रोटर में लॉस हुए, पावर डेवलप हुई, मोटर ने घूमना चालू किया, फिर इसके बाद मैकेनिकल लॉस और शाफ्ट आउटपुट पावर। अब देखिए, यहाँ पे कुछ रिलेशन होते हैं वो याद रखने होंगे आपको। कौन कौन से रिलेशन होते हैं भाई? देखो, पहला रिलेशन होता है कि जो मैकेनिकल पावर है वो 1 - S टाइम्स ऑफ एयर गैप पावर होता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था, मैकेनिकल पावर इन टर्म्स ऑफ एयर गैप पावर, आंसर हो जाएगा सी। दूसरा क्या होता है, रोटर कॉपर लॉस, जो कॉपर लॉस है रोटर के वो एस टाइम्स ऑफ पीजी होते हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं तो क्या आ जाएगा, S/(1 - S)। तो ये भी रिलेशन आपको याद रखना है, याद तो ये तीनों ही रखने हैं क्योंकि ये तीनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे चले, अब देखो इस क्वेश्चन को।
बोल रहा है इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी क्या होगी। ठीक है, अब देखिए कोई भी मोटर हो, एफिशिएंसी तो क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट मैकेनिकल पावर अपॉन इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर। लेकिन यहां पर एक अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी निकालनी है हमें। देखिए यहां पे अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं तो फिर एक अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी निकलती है इंडक्शन मोटर में। अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी क्या, मैकेनिकल पावर अपॉन जो भी मैकेनिकल पावर डेवलप हुई है वो डिवाइड बाय एयर गैप पावर। और मैकेनिकल पावर कितनी है, 1 - s टाइम्स ऑफ एयर गैप पावर। अभी अभी यही क्वेश्चन तो किया, डिवाइड बाय एयर गैप पावर, तो आंसर कितना आ गया भाई, 1 - s। तो ये है एफिशिएंसी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 - s। मतलब इतनी एफिशिएंसी हो सकती है, इससे ज्यादा बड़ी एफिशिएंसी और नहीं हो सकती। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया, इतना निकल के आया है, इससे ज्यादा एफिशिएंसी की वैल्यू नहीं आएगी, इतनी निकल के आएगी। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, रोटर का इनपुट व्हेन रोटर कॉपर लॉस इन एन इंडक्शन मोटर इज 600 वॉट एंड स्लिप इज 3%। तो देखो भाई रोटर कॉपर लॉस दे रखा है, बराबर एस इंटू पीजी होता है, अभी अभी तो पढ़ा, पीजी क्या है एयर गैप पावर, पीसीयू क्या है रोटर कॉपर लॉस। पूछ क्या रहा है, रोटर का इनपुट पूछ रहा है, जब रोटर का कॉपर लॉस इतना है और स्लिप कितनी है 3%, तो 0.03 × pg, तो कितना आ गया, 2 pg बराबर 600 अपॉन 0.03, मतलब 3 × और यहां पे 100, तो 220 kW आ गया ये। ठीक है, 200 1000 मतलब 20,000 वॉट, मतलब 20 kW, सी आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन है ये। आ जाओ इधर पे, अब देखिए क्या बोल रहा है, ये भी वही क्वेश्चन है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेट कर रही है स्लिप 5% पे, डेवलप्स 20 kW रोटर आउटपुट। इसका क्या मतलब है बताओ, ये कौन सी पावर है, रोटर की आउटपुट पावर। रोटर की इनपुट पावर को एयर गैप पावर कहते थे और रोटर की आउटपुट पावर को क्या कहते हैं, मैकेनिकली डेवलप्ड पावर। तो पी मैक दे रखा है भाई आपको कितना, 20 kW। आपको निकालना क्या है, रोटर कॉपर लॉस। ध्यान करो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले इन दोनों का रेशियो बताया था, पीसीयू अपन पी मैक बराबर कितना होता है, एस अपन 1 - s। तो बस आ जाएगा पीसीयू बराबर पी मैक मतलब 20 kW इंटू 0.05 इंटू 1 - 0.05 मतलब 0.95, तो ये कट गया, 5 से कटेगा 95 में, कितनी बार में, 19 बार में, लगभग लगभग 20 मान लोगे तो 1000 वॉट से थोड़ा सा बड़ा आएगा, 1050 वॉट। ठीक है, क्योंकि 20 / 19 है ना, तो वो 1 point something कुछ आएगा, और 1000 तो 1000 ही है, उसके मल्टीप्लाई होगा तो 1050 वॉट आंसर आ जाएगा। इसको बताओ, द स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर अंडर फुल लोड कंडीशन, फुल लोड कंडीशन मतलब आपकी मोटर फुल लोड पर घूम रही है, अब उसमें कितनी स्लिप होनी चाहिए। देखो 0.1 मतलब कितना हो गया, 10%, 20%, 80% और 3%। तो आप ही बताओ स्लिप की प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होती है, 2% से 5% के बीच में होती है, तो आंसर हो जाएगा पी। ठीक है, इतनी ज्यादा 10, 20, 80% स्लिप कभी नहीं होती। अब है ये क्वेश्चन भाई, ये देखने में बहुत ही बड़ा और खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अगर जब आप इसको पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ा है। हमेशा याद रखना भाई, जेई के पेपर में जब भी तुम्हें कोई बहुत ही बड़ा और खतरनाक क्वेश्चन मिले, इसका मतलब वो बहुत ही लल्लू है एक्चुअली में, लेकिन बस उसको पढ़ के समझना है। ठीक है, देखो स्टेटर दे रखा है 415 वोल्ट का, इतने हर्ट्स का, 4 पोल का स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, एक्साइट कर रेटेड फ्रिक्वेंसी से स्लिप रिंग ओपन सर्किट, इसका कुछ भी मतलब नहीं है, बस 50 हर्ट्ज है, 4 पोल है, तो आप सिंक्रोनस स्पीड निकाल सकते हो यहाँ से 120 f/p का यूज करके, जो कि आई होप आपको याद होगा कितना आ जाएगा, 1500 rpm। अब रोटर इज मेड टू रोटेट एट ए स्पीड ऑफ 600 rpm इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द नॉर्मल डायरेक्शन। बस रोटर की स्पीड कितनी दे रखी है, -600, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज अक्रॉस स्लिप रिंग, मतलब रोटर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो उसके लिए स्लिप निकाल लीजिए, ns - nr/ns, खत्म काम क्वेश्चन का, 1500 - -600 / 1500, 2100 / 1500, 21 / 1500, 21 / 15 मतलब 7.5 स्लिप आ गया। रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है
7/5 × 50, तो कितना आ गया 70 हर्ट्ज। हो गया क्वेश्चन खत्म, समझे? तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल था, समझ में आया ना। चलिए भाई इस क्वेश्चन को बताइए। इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर द रोटर कंडक्टर्स आर, स्क्वायरल केज रोटर में रोटर के कंडक्टर्स को क्या करते हैं? ओपन सर्किट रखते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं, एंड रिंग से, एक्सटर्नल रिएक्टेंस से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। आपको पता है कि हम स्क्वायरल केज मोटर में कोई भी एक्स्ट्रा एक्सटर्नल चीज नहीं लगा सकते, तो ये और ये तो वैसे ही गलत। और ओपन सर्किट हम कंडक्टर्स को रखेंगे नहीं, क्योंकि फिर करंट कैसे फ्लो होगी रोटर में, मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होगी, है ना? तो ऑब्वियसली बात है, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। किससे? एंड रिंग से। देखो ये रहा कुछ आपका स्क्वायरल केज रोटर, जिसमें आपके ये एल्यूमिनियम के बार्स हैं, स्क्यूड नेचर के, है ना, टेढ़े टेढ़े जा रहे हैं ना, थोड़े स्क्यूड नेचर के हैं। ये रही रिंग, किसकी बनी हुई है? एल्यूमिनियम की बनी हुई है, ठीक है। और ये पंखे के ब्लेड्स हैं, ये एल्यूमिनियम के बार्स हैं, ये लेमिनेटेड कोर है, ये पंखे के ब्लेड्स, और पीछे शाफ्ट है। अब देखो इस क्वेश्चन को, एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर दे रखी है आपको, और स्लिप दे रखा है भाई 2%, तो स्लिप कितना है? 0.02 ऑन फुल लोड। इसका स्टार्टिंग टॉर्क कितना है? स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 50% ऑफ फुल लोड टॉर्क, तो स्टार्टिंग टॉर्क बराबर 0.5 ऑफ फुल लोड टॉर्क। इसका मतलब क्या हो गया? स्टार्टिंग करंट पूछ रहा है, तो भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखो ये वाला फॉर्मूला पड़ा होगा, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क बराबर आई स्टार्टिंग अपॉन आई फुल लोड का होल स्क्वायर इंटू स्लिप एट फुल लोड। ये वाला फॉर्मूला पढ़े हो पहले कभी? स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर में, स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर में पढ़े होंगे, ठीक है। अलग अलग मेथड होते हैं ना, ऑटो ट्रांसफर, स्टार्ट, इल्टर स्टार्टिंग, उस टाइम पे पढ़ते हैं इसको। तो देखो स्टार्टिंग टॉर्क 0.5 टाइम्स फुल लोड टॉर्क दे रखा है, तो ये 0.5 हो जाएगा। आई स्टार्टिंग अपॉन आई फुल लोड का होल स्क्वायर इंटू स्लिप एट फुल लोड कितनी हो जाएगी भाई? 0.02। तो ये 50/2 कितना हो गया? 25। आई स्टार्टिंग बराबर 5 टाइम्स ऑफ आई फुल लोड आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टार्टिंग करंट? 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसको बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज एज ए फेज एडवांसर। ये डिवाइस जो है यूज होता है इंडक्शन मोटर के साथ, उसकी शाफ्ट पर ही माउंट हो जाता है, इंडक्शन मोटर की शाफ्ट को और लंबा कर देते हैं, और उसी शाफ्ट पर ये फेज एडवांसर या फिर सिंक्रोनस मोटर कह लो इसको रख देते हैं, और ये साथ साथ में घूमती है। और सिंक्रोनस मोटर क्या करती है? ऑब्वियसली बात है, रिएक्टिव पावर डिलीवर करती है लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करके। तो ये थ्री फेज, ये सिंक्रोनस मोटर है वर्किंग एट लीडिंग पावर फैक्टर, फेज एडवांसर, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो ये रही सिंक्रोनस मोटर थ्री फेज की, है ना, लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करती है, क्लियर है? देखो ये रहा करंट, इसमें लीडिंग करंट है ना, ये वोल्टेज से लीड कर रहा है, ये करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है, ये इंडक्शन मोटर, इसका सिंक्रोनस मोटर का करंट ये रहा, और जो लोड में जा रहा है वो करंट लैग कर रहा है, क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन, ब्रेक डाउन टॉर्क, ये कौन सा टॉर्क होता है? देखिए इंडक्शन मोटर में एक होता है फुल लोड टॉर्क, ठीक है, फुल लोड टॉर्क, फुल लोड, इसे हम और क्या कहते हैं भाई? इसे हम ग्रॉस टॉर्क भी कहते हैं, या फिर रनिंग टॉर्क भी कहते हैं, समझ गए? एक और टॉर्क कौन सा है? मैक्सिमम टॉर्क, इसे हम ब्रेक डाउन टॉर्क कहते हैं, समझे? और एक और कौन सा है? स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क। तो इसमें बोल रहा है ब्रेक डाउन टॉर्क के बारे में बात कर रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ब्रेक डाउन टॉर्क या मैक्सिमम टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो होता है 3/ω(s) इंटू E2 का स्क्वायर अपॉन 2x2, सेकेंड 3/ω(s) इंटू E2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2x2। सो बेसिकली आपने ये शायद ये पढ़ा होगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, कि जो आपका मैक्सिमम टॉर्क होता है वो रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क डज नॉट डिपेंड ऑन रोटर रेजिस्टेंस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये सीधे सीधे कैंसिल हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीकेज रिएक्टेंस या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आंसर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैक्सिमम टॉर्क
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रोटर के लीकेज रिएक्टेंस के। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। अब देखो इसे, ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, देखो बोल रहा है एक सेंटर 0 एमीटर रोटर में कनेक्ट है, 6 पोल 50 हर्ट्ज का इंडक्शन मोटर मेक्स 30 ऑसिलेशंस इन 1 मिनट। जो एमीटर है वो कितने ऑसिलेशंस कर रहा है? 1 मिनट में 30 ऑसिलेशन कर रहा है। तो ये बेसिक, और एमीटर लगा कहां पर है? रोटर पे। तो यहां से बेसिकली क्या निकलेगा? रोटर का ऑसिलेशंस पर सेकंड, और ऑसिलेशंस पर सेकंड को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। समझे? तो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगा 30/60 ऑसिलेशंस पर सेकंड, मतलब 0.5 हर्ट्ज। ये रोटर की फ्रीक्वेंसी आ गई। हमें रोटर का स्पीड निकालना है, उसके निकालने के लिए स्लिप चाहिए, तो स्लिप बराबर हो जाएगा रोटर का फ्रीक्वेंसी अपॉन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। 0.5/50 कितना आ गया? ये 5/500, 0.01, 1% आ जाएगा ना, 1%, 0.01। तो रोटर का स्पीड कितना आ गया? ns into 1 - s। ns कितना होगा 6 पोल 50 हर्ट्ज के लिए? 1000 rpm into 0.99। तो कितना आ गया मेरे भाई? 990 rpm। 1% स्लिप कम हो गई ना, तो 10 rpm कम हो जाएगा। 990 rpm इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 990 rpm इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए सब लोग? क्लियर है ना? अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, एज कंपेयर्ड टू DOL स्टार्टिंग अ केज इंडक्शन मोटर विद स्टार्ट एट अ स्टार्टिंग शेल है। DOL स्टार्टिंग के कंपैरिजन में, देखो DOL मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन, इसमें क्या हम कोई भी रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं? नहीं। इस स्टार्टिंग मेथड में हम जितना रेटेड वोल्टेज होता है वो पूरा ही अप्लाई कर देते हैं। तो स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में क्या होगा इसके कंपैरिजन में? तो देखो जो लाइन करंट ड्रॉ करते हैं ना स्टार डेल्टा में, वो 1/3 times होता है लाइन करंट इन DOL स्टार्टर। सो बेसिकली स्टार डेल्टा स्टार्टिंग शेल हैव मोर स्टार्टिंग टॉर्क, मोर स्टार्टिंग करंट, रिड्यूस स्टार्टिंग करंट। जो स्टार डेल्टा स्टार्टर में करंट ड्रॉ होगा DOL के कंपैरिजन में वो 1/3 times होगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर दोनों ही रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग के केस है। कहने का मतलब इस इंडक्शन मोटर में हम लोग वोल्टेज को रिड्यूस कर देते हैं और फिर स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन DOL में डायरेक्ट रेटेड वोल्टेज लगाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पता होगा। क्लियर है ना? चलिए भाई। सो दोस्तों अब देखिए इस क्वेश्चन को, इन केस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर प्लगिंग मींस। 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्लगिंग का क्या मतलब होता है? देखो मैंने डीसी मशीन में भी आपको ये प्लगिंग पढ़ाया था, लेकिन वहां पर प्लगिंग में क्या करते हैं? आर्मेचर के टर्मिनल्स को रिवर्स करते हैं। सिंक्रोनस मोटर में भी हम लोग ब्रेकिंग करते हैं, वहां पर प्लगिंग में क्या करते हैं भाई? वहां पे 2 टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर देते हैं। जो इंडक्शन मोटर है वो भी एक एसी मोटर है, 3 फेज सप्लाई इसमें भी देते हो, तो इसमें भी प्लगिंग के लिए आप क्या करोगे? 2 टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर दोगे। तो क्या हो जाएगा? इंटरचेंजिंग 2 सप्लाई फेजेस फॉर क्विक स्टॉपिंग, ये हो जाएगी प्लगिंग का मतलब। ठीक है, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को, इसमें बोल रहा है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखो 3 फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क डेवलप इज मैक्सिमम when the rotor circuit resistance is equal to, तो देखो slip for maximum torque का formula होता है R2/X2। जब maximum torque की बात आती है तो slip निकालते हैं हम लोग, उसका formula ये होता है। तो इसमें rotor resistance किसके बराबर आ रहा है? ये आ रहा है slip for maximum torque into rotor reactance। तो वही पूछ रहा है हमसे कि rotor का resistance किसके बराबर होगा, तो वो होगा slip times the rotor reactance। rotor का reactance में slip का multiply करेंगे तो इसका आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन में गलत स्टेटमेंट है। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन को, हम लोग इंडक्शन मोटर में रिलेटिव स्पीड का पढ़ते हैं कंसेप्ट। ठीक है, कि स्टेटर की फील्ड की स्पीड रोटर की फील्ड की स्पीड में कितनी है, स्टेटर फील्ड की स्पीड रोटर के रेस्पेक्ट में कितनी है, उसी पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर दिया है, द रोटर फील्ड runs at the following speed with respect to stator structure। तो हमें निकालना है रोटर की फील्ड विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर। रोटर फील्ड विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर निकालना है।
अब आप मुझे ये बताओ कि स्टेटर की जो फील्ड है वो किस स्पीड पर रन करती है। स्टेटर की फील्ड रन करती है ns पर भाई, ठीक है। एक स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है, एक रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है। रोटर की मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड पर रन करती है? यस, ये भी ns पर ही करती है। और रोटर खुद किस स्पीड पर रन करता है? nr पे। अब हमसे क्या पूछा है? रोटर की फील्ड की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर। क्या स्टेटर घूमता है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं घूमता। तो रोटर की फील्ड की स्पीड हो गई ns माइनस स्टेटर की स्ट्रक्चर की स्पीड हो गई 0। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? ns ही आंसर आ जाएगा। तो किस पे घूमेगा? एट सिंक्रोनस स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ स्टेटर, या एट सिंक्रोनस स्पीड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ स्टेटर। ऑब्वियस सी बात है, इन द डायरेक्शन ऑफ स्टेटर। अपोजिट डायरेक्शन में रोटर जब घूमता है, जब ब्रेकिंग लगाते हैं। यहाँ पे कोई ब्रेकिंग का एप्लीकेशन तो हो नहीं रहा है, तो जो स्टेटर रोटर की फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में घूमेगी जिस डायरेक्शन में स्टेटर की फील्ड है। क्लियर है? अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को। ये वाला जो क्वेश्चन है ये SSCJEE 2022 में आया है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चों को ज्यादातर ये वाली चीज पता नहीं होता है। मैं आपको इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ, तीन और एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगा जो कि पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सॉल्यूशन में। तो याद रखना, देखो, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रिक्वायर्स डैश मेंटेनेंस एज कंपेयर टू स्लिप रिंग। स्क्वायरल केज में कम मेंटेनेंस चाहिए या ज्यादा मेंटेनेंस चाहिए? अब देखिए, आप इस डायग्राम को देखिए। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ऐसे बार्स होते हैं, ठीक है, तो क्या इनके टूटने फूटने का बहुत ज्यादा खतरा होता है? जी नहीं, ये सॉलिड एल्यूमिनियम के बार्स हैं, ये बहुत ही रग्ड होते हैं। तो ये मतलब जो मोटर है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एक तरीके से। स्लिप रिंग के अंदर क्या होता है? यहाँ पर वाइंडिंग होती है। देखो ये वही वाइंडिंग क्या होती है, वाइंडिंग, और यहाँ पे ये स्लिप रिंग्स हैं। तो इन वाइंडिंग के अंदर तार टूट गया, कॉइल जल गई, कुछ परेशानी हो गई, तो इस तरीके से इसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और स्क्वायरल केज में जो मेंटेनेंस है वो कम रिक्वायरमेंट होती है। समझ गए? तो इसीलिए अपन को याद रखना है कि स्लिप रिंग के अंदर मेंटेनेंस ज्यादा चाहिए और स्क्वायरल केज में मेंटेनेंस कम चाहिए, ठीक। फिर स्क्वायरल केज में एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है, हाई एफिशिएंसी, क्योंकि यहां पर वाइंडिंग है तो इसमें लॉसेस भी ज्यादा होंगे, तो इसमें स्लिप रिंग में एफिशिएंसी कम होती है। और स्क्वायरल केज आपकी सस्ती भी होती है, चीप होती है, और स्लिप रिंग आपकी महंगी होती है, ठीक है। स्लिप रिंग मोटर महंगी भी होती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर आपका ज्यादा अच्छी है स्लिप रिंग की कंपैरिजन में। तो क्या सर फिर स्लिप रिंग को यूज ही नहीं करते? ऐसा नहीं, स्लिप रिंग को यूज करते हैं, लेकिन ऐसी जगह यूज करते हैं जहां पर ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए हो, हार्ड टू स्टार्ट लोड्स में, जहां पर बहुत ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है, वहां पर स्लिप रिंग मोटर का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं रोटर सर्किट में। ये इसकी एक खास बात है, ठीक है। तो जब अच्छी स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत है, ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत है, तो हम लोग किसको प्रेफर करेंगे भाई? हम लोग स्लिप रिंग को। और मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए तो स्क्वायरल केज इज द बेस्ट। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रिक्वायर्स सिग्निफिकेंटली लो मेंटेनेंस, काफी कम मेंटेनेंस चाहिए इसको स्लिप रिंग के कंपैरिजन में, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब आ जाओ इस पे। देखो, व्हाइल स्टार्टिंग ए सिंक्रोनस मोटर एज इंडक्शन मोटर, फील्ड वाइंडिंग का क्या करते हैं? अभी शुरुआत में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि ट्रांसफार्मर की जब सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, वो इंडक्शन मोटर जैसा प्रिंसिपल पे काम करती है। बेसिकली सेकेंडरी साइड में कोई भी लोड नहीं लगा होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट होना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर जो रोटर है, सिंक्रोनस मोटर का फील्ड वाइंडिंग जिस पर है, उसको भी शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, फिर वो इंडक्शन मोटर के जैसा ही काम करेगा। अब आ जाओ इधर। देखो ये भी बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि अगर एयर गैप को इंक्रीज कर दे इंडक्शन मोटर में, तो क्या होगा भाई? ठीक है, आप इस डायग्राम को देखिए। देखिए, नो एयर गैप, तो फ्लक्स बहुत ही आसानी से यहां पे चला गया स्टेटर से रोटर में, ठीक है। अगर थोड़ा सा एयर गैप डाला, तो थोड़ा सा एयर गैप डाला तो फ्लक्स थोड़ा सा लीकेज हुआ। अगर ज्यादा एयर गैप डाला तो फ्लक्स और लीकेज हुआ, और फ्लक्स लीक करा। आप मुझे बताओ, एयर गैप हम डालते जा रहे हैं, फ्लक्स ज्यादा लीक कर रहा है, तो जो पहले फ्लक्स था, अब जो फ्लक्स है वो कम है, लेकिन मशीन में कांस्टेंट फ्लक्स रहने के लिए ज्यादा करंट फिर वो ड्रॉ करेगा। हमारा जो मोटर है उसमें फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है। जब फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है, तो मोटर में से जो करंट ड्रॉ हो रही है इनपुट से, सप्लाई से, वो ज्यादा करंट ड्रॉ होगी। तो मतलब क्या होगा? टू मेंटेन फ्लक्स कांस्टेंट,
और उस करंट को हम लोग क्या कहते हैं, टू मेंटेन फ्लक्स कांस्टेंट आई म्यू इंक्रीजेस, मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा ड्रॉ होगी और मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा ड्रॉ होने से पावर फैक्टर हमेशा रिड्यूस होता है, इसीलिए पावर फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा अगर एयर गैप बढ़ाएंगे तो। ठीक है, स्पीड विल रिड्यूस, एफिशिएंसी विल इंप्रूव, ये सब नहीं होगा, पावर फैक्टर पर मेन इफेक्ट पड़ेगा, नो लोड पावर फैक्टर या सिंपल पावर फैक्टर पे। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी जेई के अंदर ही आया है ये आपके। आ जाओ इस क्वेश्चन पे, इसका आंसर तो हर कोई बता देगा। ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर द मशीन में रिफ्यूज टू स्टार्ट एट ऑल, मशीन चालू ही नहीं हो रही है, तो वो कौन सा फिनोमेना बोलते हैं उसे, उसे बोलते हैं कॉगिंग, मशीन रुक गई है, फंस गई है, उसे बोलते हैं कॉगिंग। ठीक है, इस पे आ जाइए। मैग्नेटिक लॉकिंग ऑफ द रोटर विद स्टेटर, मतलब ये भी क्या चीज है, कॉगिंग ही है, लॉक हो गए रोटर और स्टेटर आपस में, इसको क्या बोलते हैं, कॉगिंग बोलते हैं। इन केस ऑफ एन इंडक्शन मोटर मे बी रिड्यूस्ड बाय, कॉगिंग को कैसे हटाएंगे, स्क्वीइंग करके, है ना, स्क्यूड रोटर स्लॉट से। तो देखिए ये हमने स्क्वीइंग की हुई है यहाँ पे, इस तरीके से रोटर के स्लॉट्स को ऐसे टेढ़ा टेढ़ा बना देते हैं जिससे स्टेटर के स्लॉट्स के साथ पैरेलल ना रहे वो, है ना। और क्या एडवांटेजेस है भाई स्क्वीइंग करने के, देखो रिड्यूसेस कॉगिंग, मैग्नेटिक हमिंग को रिड्यूस करता है, हमिंग को, यूनिफॉर्म टॉर्क डेवलप करता है, ठीक है, हार्मोनिक्स भी रिड्यूस करता है, टॉर्क भी बढ़ाता है थोड़ा सा, इंप्रूव स्टार्टिंग टॉर्क, ये सारे एडवांटेजेस हैं, इनको अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को, द टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर इज प्रोपोर्शनल टू, इंडक्शन मोटर का टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो इंडक्शन मोटर का टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फुल वाला, फुल लोड टॉर्क वो होता है 3/ωs, s इंटू वोल्टेज का स्क्वायर इंटू आर टू डिवाइड बाय आर टू का स्क्वायर प्लस s इंटू एक्स टू का होल स्क्वायर, ये होता है इंडक्शन मोटर में टॉर्क का फॉर्मूला। क्लियर है, अब आप मुझे बताओ कि इसमें जो टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के स्क्वायर के, बस हो गया सी। इसको बताइए, चार पोल की इंडक्शन मोटर के लिए कौन सा प्रिफर्ड आरपीएम है, कौन सी स्पीड प्रिफरेबल है। तो देखो जनरली हमें पता है कि जब चार पोल की मशीन होती है तो हम 50 हर्ट्ज अज्यूम कर लेते हैं, तो सिंक्रोनस स्पीड होती है हमारे पास 1500 आरपीएम, और 1500 आरपीएम की जो स्पीड है उसके सबसे पास में जो स्पीड होगी वही हमारी प्रेफर्ड स्पीड होगी। हम नहीं चाहते कि हमारा रोटर जो है वो बहुत छोटी या कम स्पीड पे घूमे, वो 1500 आरपीएम के बिल्कुल पास में घूमे जिससे स्लिप कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि स्लिप होती है ns - nr/ns, जितना nr ns के पास होगा स्लिप उतनी ही छोटी होगी, तो आंसर हो जाएगा 1485, ये हमारी प्रेफर्ड स्पीड है। क्लियर, अब आ जाइए इस पे, मैक्सिमम टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था तुम्हें मैंने फॉर्मूला, 3/ωs इंटू ई टू का स्क्वायर अपॉन 2x2, तो बताओ किस किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या स्क्वायर ऑफ सप्लाई वोल्टेज पे, जी हाँ, फ्रीक्वेंसी पे। अब देखो फ्रीक्वेंसी तो इसमें डायरेक्टली दिख नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें फ्रीक्वेंसी भी प्रेजेंट है, वो कैसे, देखो ओमेगा एस क्या होता है, 2π ns/60, और ns किस पे डिपेंड करता है, 120 f/p, फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करता है, तो जो हमारा ओमेगा एस है वो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ही है, तो टॉर्क फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है, तो टॉर्क बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, 1/frequency इनटू वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाय रोटर इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो तीनों पे ही डिपेंड कर रहा है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चंस है ये। अब आ जाओ इस पे, हाउ मेनी डिफरेंट स्पीड्स कैन बी ऑब्टेन इन कैस्केड कंट्रोल, तो इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे कि वोल्टेज कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, पोल चेंजिंग कंट्रोल, ठीक है, रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड, ठीक है, ये कुछ मेथड्स हैं स्पीड को कंट्रोल करने का, जिसमें से कैस्केड कंट्रोल भी एक मेथड है। इसमें हम दो इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे कि कैस्केड में पहली मोटर कौन सी होती है, स्क्वायरल केज या स्लिप रिंग। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि कितनी अलग अलग स्पीड्स को अचीव कर सकते हैं, तो ये देखिए
यहाँ पे मोटर नंबर वन है, यहाँ पे मोटर नंबर टू है। इसमें हम लोग इन दो मोटर्स को कंट्रोल करते हैं और चार तरीके की स्पीड को अचीव कर सकते हैं। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट स्पीड है इसमें 120 F/P1+P2, दोनों के पोल्स को ऐड कर दो। सेकंड स्पीड है 120 F/P1-P2। थर्ड स्पीड है केवल मोटर वन की स्पीड, और फोर्थ स्पीड है केवल मोटर टू की स्पीड। तो ये चार तरीके की स्पीड हम इसमें अचीव कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा फोर। क्लियर है? अब बताइए इसको, इंडक्शन जनरेटर वर्क्स बिटवीन द स्लिप ऑफ, बताइए भाई। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन है, जनरेटर के लिए स्लिप क्या होती है? देख लो यार, ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स आप सबने देखा होगा। देखो ये स्लिप है जीरो, यहां पर है स्लिप, सॉरी स्लिप, ये स्पीड जीरो है, यहां पर स्पीड एनएस है, स्लिप इधर वन है, स्लिप है इधर जीरो, और इधर से इधर तक इस रीजन में स्लिप क्या है? नेगेटिव। जनरेटिंग रीजन में स्लिप क्या है? जीरो से नीचे नेगेटिव, जीरो से कम। मोटरिंग रीजन में स्लिप कितनी है? जीरो से वन। और ब्रेकिंग रीजन में स्लिप कितनी है? ग्रेटर देन वन। तो हमसे पूछ रहा था नेगेटिव में स्लिप। इंडक्शन जनरेटर वर्क्स बिटवीन द स्लिप ऑफ लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब सी। ये हो गया जनरेटर का प्रिंसिपल, ठीक है? जनरेटिंग रीजन में स्लिप लेस देन जीरो, मोटरिंग में जीरो से वन, और ब्रेकिंग में वन से बड़ी। अब देखो इस क्वेश्चन को, इन द इंडक्शन मोटर द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, ठीक है? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू ही होगा ये वाला। देखो मैं समझाता हूँ, टॉर्क डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? स्लिप के, वोल्टेज स्लिप के, हायर स्लिप वैल्यू है, लोअर स्लिप वैल्यू, ठीक है? अब देखिए आप इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में ये जो मोटरिंग रीजन है ना, ये वाला यहां से लेके यहां तक, इसको ऑब्जर्व करना है हमें, ठीक है? इसको भी हम दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, ठीक है ना? ऐसे तो एक रीजन हो गया ये और एक रीजन हो गया ये। आप इस रीजन में देखिए, जैसे जैसे देखिए, स्लिप यहां पर जीरो है और स्लिप यहां पर वन है मेरे भाई, तो स्लिप इधर से इधर देखेंगे तो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो देखो ग्राफ भी साथ साथ में क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है यहां तक, है ना, यहां तक। तो यहां पे बेसिकली स्लिप भी इंक्रीज हो रही है और टॉर्क भी इंक्रीज हो रहा है, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्लिप है। और यहां पर देखिए स्लिप अब डिक्रीज हो रही है, मतलब स्लिप इंक्रीज हो रहा है जीरो से वन, स्लिप इंक्रीज हो रहा है लेकिन टॉर्क अब डिक्रीज हो रहा है, तो टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप है। तो बेसिकली इस रीजन में टॉर्क स्लिप के प्रोपोर्शनल है और इस रीजन में टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप है। तो आप मुझे बताओ कि ये वाला जो रीजन है, ये इसमें स्लिप की वैल्यू जीरो से लेके यहां तक है, यहां पर मैक्सिमम स्लिप कहते हैं इसे, और यहां पे स्लिप जीरो से, एसटी मैक्सिमम से जीरो है, वो वन है, ठीक है? तो आप मुझे बताइए भाई, जीरो से लेके यहां तक वाले रीजन में स्लिप छोटी है या बड़ी? स्लिप छोटी है, तो लोअर स्लिप वैल्यू। और इस वाले रीजन में क्या है? हायर स्लिप वैल्यू, क्योंकि यहां पे स्लिप का वैल्यू क्या है? बड़ा, बढ़ती जा रही है ना, यहां से यहां पे बढ़ता जा रहा है, तो पहले लोअर स्लिप और फिर हायर स्लिप। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्लिप कब होता है? लोअर स्लिप में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हायर स्लिप वैल्यू में। तो यहां पे पूछा है टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअर स्लिप वैल्यूज, जब स्लिप की वैल्यू छोटी होगी तो प्रोपोर्शनल होगा और टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हायर स्लिप वैल्यूज में। क्लियर है? तो बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में भाई हो, ठीक है? अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। बोल रहा है इफ स्टैटिक वोल्टेज ऑफ ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस्ड टू 50%, वोल्टेज को 50% कर दिया है ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू, टॉर्क इज रिड्यूस्ड बाय हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ इट्स फुल लोड, टॉर्क कितने परसेंटेज से घट जाएगा? तो टॉर्क बराबर, टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है? वोल्टेज के स्क्वायर के। तो निकाल लो T2/T1 बराबर V2/V1 का होल स्क्वायर, कितना परसेंटेज आ जाएगा भाई? टॉर्क 0.5 का होल स्क्वायर मतलब 0.25, मतलब बेसिकली टॉर्क कितना आ गया? 25% ऑफ टॉर्क 1 आ गया।
तो क्या आपसे ये पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज है या ये पूछ रहा है कितने परसेंट से घट गया? वो पूछ रहा है रिड्यूस्ड बाय हाउ मेनी परसेंटेज। तो टॉर्क रिड्यूसेस बाय, ऑब्वियस सी बात है, फुल लोड पे पूरा था, अब 25% रह गया तो 75% घट गया, आंसर हो जाएगा बी। ऐसे क्वेश्चन में आंसर निकालने के बाद भी स्टूडेंट्स 25% टिक करके फटाफट आगे बढ़ जाते हैं और ये ध्यान नहीं दे पाते कि एक्चुअली में पूछ क्या रहा है, और क्वेश्चन में नंबर लूज कर देते हैं और फिर बाद में फाइनल रिजल्ट में 2 मार्क्स से पीछे रह जाते हैं। तो भाई हमें लैंग्वेज थोड़ी ढंग से पकड़नी है, ठीक है? सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जेई में, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है इन्हीं चीजों में बस। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। स्पीड कंट्रोल मेथड कौन सा है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का? तो अलग अलग स्पीड कंट्रोल मेथड्स होते हैं, ठीक है? देखो भाई कौन कौन से, देखो स्पीड कंट्रोल में एक आता है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। रोटर में रेजिस्टेंस ऐड करके स्पीड को कंट्रोल करते हैं, ऑब्वियस सी बात है ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात चल रही है। फिर आता है सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, ये स्क्वायरल केज में भी कर सकते हैं और स्लिप रिंग में भी कर सकते हैं। फिर आता है रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड, रोटर में अलग से ईएमएफ इंजेक्ट करते हैं स्लिप रिंग्स पर, तो ये भी सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज होगा। फिर आता है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ये भी दोनों में यूज कर सकते हैं। पोल चेंजिंग टेक्निक ये किसमें यूज करेंगे? ये हम भाई स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में करते हैं सिर्फ, ठीक है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ये पॉसिबल नहीं है, और कैस्केडिंग भी दोनों के लिए होती है। अब पूछ रहा है यहाँ पे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का मेथड कौन सा है, तो देख लीजिए स्क्वायरल केज, इकलौता स्क्वायरल केज का मेथड जो सिर्फ स्क्वायरल केज में लगता है वो पोल चेंजिंग मेथड है, आंसर हो जाएगा पोल चेंजिंग मेथड। और वैसे भी आप यहाँ पे बाकी के ऑप्शंस देखोगे तो बाकी के ऑप्शंस तो स्पीड कंट्रोल में यूज ही नहीं होते, तो उनका कोई मतलब ही नहीं है, आंसर हो जाएगा सी। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, बोल रहा है ब्लॉक रोटर टेस्ट से क्या निकालते हैं? तो यार ट्रांसफॉर्मर के जैसा ही है, दो टेस्ट होते हैं, एक ओपन सर्किट एक शॉर्ट सर्किट। ट्रांसफॉर्मर में यहाँ पे होता है नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट। वहां पे ओपन सर्किट टेस्ट से कोर लॉस निकालते हैं, यहाँ पे भी नो लोड टेस्ट से कोर लॉस निकालते हैं या कॉन्स्टेंट लॉस कह देते हैं। वहां पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम लोग कॉपर लॉस से वेरिएबल लॉस निकालते हैं, और यहाँ पर भी वही है, तो वेरिएबल लॉस निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक रोटर टेस्ट। सिमिलर है किसके? ट्रांसफॉर्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के। अब देखिए ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है पता नहीं कितने सारे बच्चों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद कर लीजिए। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो हम थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं उसमें जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो 3/2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स होता है, ठीक है? तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स ड्यू टू एनी फेस। क्लियर है? इसको याद कर लीजिएगा, ये रिजल्ट आता है फेजर डायग्राम के थ्रू, आप समझ सकते हो इसे। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग कब होती है? देखो दो फिनोमेना है ना भाई, एक है कॉगिंग एक है क्रॉलिंग। तो क्रॉलिंग कौन से फंडामेंटल्स पर होती है, कौन से हार्मोनिक्स पर, ऑड मल्टीपल्स या इवन मल्टीपल्स, बताइए किस पर होती है? यस NS/7 हम पढ़ते हैं ना, तो वो क्या है, ऑड है। ऑड मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल पर क्रॉलिंग होती है। ये देखो यहाँ पे देखिए इस ग्राफ को, यहाँ पे आप देख रहे हो जो आपकी मोटर का ग्राफ है वो कुछ ऐसा जा रहा है ना, यहाँ पे ऐसे, फिर ये नॉर्मल हो गया ऐसे, ठीक है? टॉर्क स्पीड कर्व है आपका, क्लियर? तो जो मोटर है वो इस पॉइंट पर ऑपरेट करने लगती है, ए पॉइंट पे। एक्चुअली में उसे किस रीजन में ऑपरेट करना चाहिए? एक्चुअली में उसे इस वाले रीजन में ऑपरेट करना चाहिए जहां पर लोड टॉर्क या फुल लोड टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है, लेकिन वो ऑपरेट करने लगती है इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि उसमें क्रॉलिंग का फिनोमेना आ जाता है। किस हार्मोनिक की वजह से? सेवेंथ हार्मोनिक की वजह से। और यहां पर कौन सा हार्मोनिक है? ये फिफ्थ हार्मोनिक है, ब्रेकिंग रीजन है ना ये वाला, तो ब्रेकिंग रीजन में फिफ्थ हार्मोनिक है और मोटरिंग रीजन में सेवेंथ हार्मोनिक है। सो बेसिकली ऑड हार्मोनिक्स की वजह से क्रॉलिंग का फिनोमेना आता है। तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है? रोटर की स्पीड कितनी हो जाती है इसमें? NS/7 ड्यू टू क्रॉलिंग, NR becomes NS/7, ठीक है? चलिए बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को देखिए,
द स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन एन इंडक्शन मोटर इज नोन एज द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. मैंने आपको दोनों चीजें बताई थी अभी, स्टेटर की फील्ड एंड रोटर की फील्ड, दोनों की स्पीड कितनी होती है. बोथ रोटेट एट एन एस ओनली, दोनों की दोनों भाई एन एस पर ही घूमती हैं, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड हो जाएगी सिंक्रोनस स्पीड इंडक्शन मोटर में. क्लियर है? चलिए अच्छा ये बताइए, जब स्टेटर की फील्ड और रोटर की फील्ड दोनों एनएस पे घूम रही है तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी. जैसे कोई पूछ ले स्टेटर की फील्ड की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू रोटर फील्ड की स्पीड, जब दोनों सेम ही गति पर जा रही है तो इन दोनों की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्पीड ऑब्वियसली जीरो होगी. ठीक है, लो भाई क्या क्वेश्चन मैंने पूछा और क्या क्वेश्चन अभी आ गया. थ्री फेज इंडक्शन मोटर में द रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू डैश इज जीरो. स्टेटर फ्लक्स का स्पीड किसके रेस्पेक्ट में जीरो होता है? रोटर फ्लक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों ही सेम स्पीड पर होती है. अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है जो इंजेक्टेड ईएमएफ है, अभी थोड़ी देर पहले मेथड पढ़ा था ना, रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड, वो किसमें यूज होता है? सिर्फ स्लिप रिंग में यूज होता है स्पीड कंट्रोल करने के लिए. तो इंजेक्टेड ईएमएफ इन रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर मस्ट हैव, जो ईएमएफ इंजेक्ट कर रहे हैं वो किस फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए. तो देखिए जब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आप लोगे उसमें स्लिप रिंग्स होंगी शाफ्ट पर, आप उससे एक एक्स्ट्रा और डिवाइस कनेक्ट करोगे, एक एक्स्ट्रा मोटर कनेक्ट करोगे जो कि वोल्टेज पैदा करेगी वहां पर स्लिप रिंग्स पर. अब चूंकि वो रोटर पर है तो जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए उस वोल्टेज का वो कितना होना चाहिए? सेम एज रोटर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी एज रोटर फ्रीक्वेंसी. और रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है भाई, वो तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, वो तो आप जानते हैं, स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी. तो मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी एज स्लिप फ्रीक्वेंसी, सेम फेज एज रोटर ईएमएफ, अ हाई वैल्यू फॉर सैटिस्फैक्टरी स्पीड कंट्रोल, सेम फेज एज रोटर ईएमएफ एंड अ हाई वैल्यू फॉर सैटिस्फैक्टरी, नहीं, सेम फ्रीक्वेंसी एज स्लिप फ्रीक्वेंसी. एस इनटू एफ क्या है? स्लिप फ्रीक्वेंसी. तो जो ईएमएफ इंजेक्ट करेंगे वो रोटर की फ्रीक्वेंसी या स्लिप फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होना चाहिए. ठीक है, देखो यहां पे भी लिखा है, वी कनेक्ट एन एक्सटर्नल सोर्स इन द रोटर सर्किट अक्रॉस स्लिप रिंग्स, जिसमें फ्रीक्वेंसी है एसएफ, इंजेक्टेड वोल्टेज मस्ट आल्सो हैव सेम फ्रीक्वेंसी. अब देखो इसको, इन द बिलो गिवन टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडक्शन मोटर स्टेबल रीजन इज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था भाई, ये वाला जो रीजन है इतना, इसी में टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है, और इस वाले रीजन में क्या होता है? टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप. तो स्टेबल रीजन कौन सा है? ये टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्लिप वाला, W वाला आंसर हो जाएगा W. ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैरेक्टरिस्टिक कर्व शोन बिलो. बताओ भाई ये कर्व किसका है? टॉर्क स्पीड कर्व. क्या डीसी शंट मोटर का, डीसी सीरीज, डीसी कंपाउंड, ये एसिंक्रोनस मोटर, या फिर हमारी प्यारी दुलारी इंडक्शन मोटर का कर्व है? टॉर्क स्पीड कर्व जो है ये क्या है? इंडक्शन मोटर का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई. अब देखिए ये वाला, इन ए डबल केज इंडक्शन मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. डबल केज इंडक्शन मोटर क्या होता है? देखो डबल केज में ना दो केज होते हैं, एक आउटर केज एक इनर केज. देखो ये है अपर केज या आउटर केज, है ना, ये है इनर केज. आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या साहब? वो ये है मेरे दोस्त कि जो आउटर केज है उसका साइज छोटा होता है, जो इनर केज है उसका साइज बड़ा होता है. ठीक है, आउटर केज का सर्कुलर शेप होता है ऐसे, और इनर केज का रेक्टेंगुलर टाइप का शेप होता है कुछ ऐसे, आउटर केज छोटा इनर केज बड़ा. अब रेजिस्टेंस और एरिया का रिलेशन तो आप जानते ही हो, जब आउटर केज छोटा है तो रेजिस्टेंस बड़ा है और रिएक्टेंस उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा. इनर केज बड़ा है तो रेजिस्टेंस छोटा है और रिएक्टेंस उसके अपोजिट हो जाएगा, बस खत्म काम कहानी. क्लियर है? ये इन दोनों का रिलेशन है. देखो इनर केज टॉर्क की वजह से ऐसे ग्राफ बनेगा, आउटर केज की वजह से थोड़ा ऐसे बनेगा,
जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें स्टार्टिंग टॉर्क भी ज्यादा होता है, आउटर केज का रेजिस्टेंस ज्यादा है इसलिए उसका टॉर्क भी ज्यादा है, और रिजल्टेंट टॉर्क जो है वो आप देख ही रहे हैं कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये रिजल्टेंट टॉर्क बन जाएगा किसका, डबल केज रोटर का, क्लियर है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, देखो क्वेश्चन में आपसे बोल रहा था कि इन ए डबल केज में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, रेजिस्टेंस ऑफ आउटर बार इज लेस, नहीं भाई रेजिस्टेंस ऑफ आउटर बार इज मोर, यही नॉट ट्रू है। लीकेज इंडक्टेंस ऑफ आउटर केज इज लेस, यस आउटर का क्या होता है हाई रेजिस्टेंस लो रिएक्टेंस, इनर का क्या होता है मेरे दोस्त, इनर का होता है लो रेजिस्टेंस एंड हाई रिएक्टेंस। आउटर बार हैज अ स्मॉलर क्रॉस सेक्शन, यस, और साइज किसका छोटा होता है, साइज ऑफ आउटर इज लेस देन साइज ऑफ इनर, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को, इन एन इंडक्शन मोटर अगर रोटर रेजिस्टेंस बराबर है रिएक्टेंस के देन द मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू, मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क से कम होगा, बराबर होगा, छोटा होगा, क्या होगा, मैक्स कम होगा, बराबर होगा या बड़ा होगा। देखो भाई जो मैक्सिमम टॉर्क है उसमें हमने एक कंडीशन पढ़ा था स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क बराबर आर टू अपॉन एक्स टू होता है, और अगर स्लिप मतलब एट स्टार्टिंग की बात की जाए शुरुआत में जब मोटर चालू नहीं हुई है उस केस में स्लिप कितनी होती है, वन, एट स्टार्टिंग स्लिप इज वन, अगर यहां पे मैं वन रख दूं तो आर टू बराबर एक्स टू आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आर टू एक्स टू के बराबर कब होगा, जब स्लिप वन होगी और वो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है, ठीक ना। तो इन एन इंडक्शन मोटर रोटर रेजिस्टेंस इक्वल टू स्टेनलेस रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस बराबर है देन मैक्सिमम टॉर्क किसके बराबर है, स्टार्टिंग टॉर्क के बराबर है, क्योंकि स्लिप की वैल्यू क्या रखी गई है, वन रखी गई है जो कि स्टार्टिंग की ही कंडीशन है, सो आंसर इज इक्वल टू स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। सिंपल है ये वाला भी। अब देखिए ये एक और बढ़िया क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था वो पावर फ्लो डायग्राम उसी पर बेस्ड है। देखिए इस क्वेश्चन को, पावर इनपुट टू ए थ्री फेज 50 हर्ट्ज 400 वोल्ट 4 पोल इंडक्शन मोटर 60 किलोवाट, मतलब स्टेटर पर इनपुट दे रहे हैं 60 किलोवाट का और स्टेटर के लॉस है 1 किलोवाट, तो स्टेटर पर इनपुट दिया इलेक्ट्रिकल, स्टेटर में लॉस हुए, फिर कहाँ गया रोटर पर, तो रोटर का इनपुट कितना हो जाएगा, और आप लोग मुझे बताओ रोटर के इनपुट को हम लोग और क्या कहते हैं, यस एयर गैप पावर, तो ये कितना हो जाएगा भाई पीजी, ये पीजी हो जाएगा इनपुट पावर माइनस लॉस, ठीक है, रोटर का इनपुट पावर है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मतलब पीजी जो है वो 60 माइनस 1 मतलब 59 किलोवाट एयर गैप पावर आ गया, क्लियर है। निकालना क्या है, मोटर रन कर रही है 4% स्लिप पे रोटर कॉपर लॉस निकालना है, बहुत ही सिंपल, रोटर कॉपर लॉस होता है एस इंटू पीजी, तो ये आ जाएगा 0.04 इंटू 59 इंटू 1000 किलोवाट में ही निकालना है, 60 का 4% लगभग हो गया 24, 2.36 किलोवाट आ जाएगा, समझ में आ गया, 2.36 किलोवाट इसका क्लियर आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ मेरे भाई मेरे दोस्त इंडक्शन मशीन का सीरीज मतलब इंडक्शन मशीन का लेक्चर भी आपका समाप्त होता है, ठीक है। मैंने आपको ब्रेकिंग स्टार्टिंग स्पीड कंट्रोल जो शुरुआत में बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है वो, फिर उसके बाद उससे और पहले ट्रांसफार्मर शॉर्टेड सेकेंडरी वो कॉन्सेप्ट है ना, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको इस लेक्चर में रिवाइज करवाए दिए विद क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप यार आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो भाइयों, और अगर आ रही है दिल से तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, ठीक है। आप जितना लाइक करेंगे जितना शेयर करेंगे कमेंट करेंगे मेरा मोटिवेशन और मेरा एफिशिएंसी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। एक टीचर की एफिशिएंसी और मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ राइट डायरेक्शन में, आपको यूज आ रहा है आपको काम आ रहा है, तो लाइक करने में आपका क्या जाता है, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। और इलेक्ट्रिकल मशीन के बाद अब जो बारी है नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चों की कंट्रोल सिस्टम की डिमांड आ रही थी, तो अब मैं नेक्स्ट कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो कल से आपको कंट्रोल सिस्टम मिलेगा, तो ध्यान से यूपीएमआरसी के सारे बच्चे अटेंटिव हो जाए और सबके बीच में फैला दीजिए कि कंट्रोल सिस्टम का बहुत ही बेहतरीन सेशन में आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए, और ये इलेक्ट्रिकल डिवीजन कोर्स
आप सभी के लिए मैं मेरे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है इंजीनियरिंग इनोवेशन ऐप पे, डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो भी बच्चे रिवाइज करना चाहते हैं इस कोर्स को फटाफट परचेज कर लीजिए ओनली 400 रुपीज में। ठीक है, मिलूंगा मैं आपसे अगले लेक्चर में। आज की क्लास की पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।